please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए 10 लाख घर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। ये सभी घर शौचालय पेयजल बिजली कनेक्शन युक्त हैं। घर बनाने का लक्ष्य 30 नवंबर 2017 तक का था जो कि समय पर पूरा हो गया। GDA के 59 डिफॉल्टरों की लिस्ट अब ADM के पास। 700 करोड़ रुपए के 59 डिफॉल्टरों की लिस्ट GDA ने ADM के पास भेजी। इस लिस्ट में 19 बिल्डर हैं जिन्होंने बाहरी विकास शुल्क, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कई टैक्सों का भुगतान नहीं किया है। किसानों के साथ जमीन का विवाद सुलझाने के लिए GDA को मिला एक और साल। नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने GDA को एक साल के भीतर यह विवाद सुलझाने का आदेश दिया था जो कि बुधवार को पूरा हो गया। इसे सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए GDA को एक साल और दिया। सुशांत लोक और पालम विहार के लिए DTCP ने भेजा अंसल प्रॉपर्टीज को नोटिस। शहर और देश नियोजन विभाग DTCP ने अंसल प्रॉपर्टीज को नोटिस भेजा है। नोटिस पालम विहार और सुशांत लोक वन के SMG के ट्रांसफर पर हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 3A के तहत भेजा गया है। आज 11 बजे निकाला DDA ने आवास योजना का ड्रॉ। 2017 की आवास योजना जो कि करीब 12,000 फ्लैटों की पेशकश करता है जो कि करीब 7 लाख से लेकर 1.26 करोड़ रुपए के बीच है। इस योजना को 30 जून को शुरू किया गया था। इस योजना के लिए शहरी निकाय ने 46,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए थे।